जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, मैं एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी परचेस करना चाहता हूं, जो कि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि खुद की खरीदी हुई संपत्ति है। और उसकी प्रॉपर्टी परचेस करने में मुझे उसकी पत्नी की तो सहमति मिल रही है, लेकिन उसकी बेटी की सहमति लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वो दूसरी जगह रह रही है। तो ऐसा ये क्वेश्चन किया था मयंक भारद्वाज ने, ये मयंक भारद्वाज का क्वेश्चन था कि वो एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जो कि एक मुस्लिम सुन्नी की प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए उनकी वाइफ तो सहमति दे रही है बेचने की, लेकिन उनकी बेटी जो है वो शादी हो चुकी है और दूसरी जगह पे रहती है। चूंकि वो प्रॉपर्टी एक उनकी खुद की खरीदी हुई संपत्ति है, तो ये प्रॉपर्टी उन्हें परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आखिर मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वो उस बेटी का क्या राइट है, और बाद में क्या वो आपत्ति कर सकती है, पत्नी का क्या अधिकार है? तो इस पर उन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ था कि आखिर उनको ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, और खरीदनी चाहिए तो किस वे पे खरीदना चाहिए, किस तरीके से खरीदना चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर अगर आप एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें किसी की अनुमति चाहिए होती है, और अगर चाहिए होती है तो किस प्रकार से आप करवा सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके हम मोटिवेट जरूर करिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो मयंक भारद्वाज और सारे व्यूवर्स को, अगर सबके साथ कभी न कभी तो ऐसी प्रॉब्लम फेस होगी, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि मान लीजिए अगर आप किसी एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, अपने माइंड से ये डाउट निकाल दीजिए कि मुस्लिम प्रॉपर्टी में ना तो कोई स्वायर्जित संपत्ति होती है, और ना ही कोई प्रॉपर्टी जो पैतृक प्रॉपर्टी होती है, वो सेम ही उसका आकलन किया जाता है। कहने की बात कि अगर मान लीजिए कोई आपकी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के वारिस आप हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, भाई स्वाभाविक सी बात है आपने खरीदी है तो वो आपके नाम पर होगी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपको आपके पूर्वजों से मिली है तो वो भी प्रॉपर्टी आपकी स्वायत्त संपत्ति ही मानी जाएगी, यानी कि उसका भी उतना ही वैल्यूएशन होगा जितना कि आपने खरीदा हुआ है। जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा नहीं होता है, जो आपको पूर्वजों से मिलती है वो आपकी पैतृक संपत्ति कहलाती है, और जो आप बेचते हैं, जो आप खरीदते हैं, वो आपकी स्वायत्त संपत्ति कहलाती है। लेकिन मुस्लिम कानून के अंतर्गत सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या खुद की खरीदी हुई संपत्ति हो, सब सारी संपत्ति को एक इक्वलिटी में रखा जाता है। इसके लिए कोई भी पक्षपात नहीं है कि ये एक पैतृक संपत्ति है या एक स्वायत्त संपत्ति है। जिसके नाम पर भी प्रॉपर्टी है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये काउंट नहीं किया जाएगा कि इसे पूर्वजों से मिली है या खुद से खरीदा हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी एक वे में काउंट की जाती है। दूसरी बात, मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम या मुस्लिम कानून के अंतर्गत अगर कोई प्रॉपर्टी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो वो उसके बाद जो वारिस होते हैं उस प्रॉपर्टी, चाहे उसका बेटी हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसकी उसका लड़का हो, वो उसके जब तक वारिस नहीं होते, यानी कि उसका उसमें कोई भी अधिकार नहीं होता, उनका किसी भी प्रकार का राइट नहीं होता है। वो राइट कब मिलता है? जब प्रॉपर्टी का ओनर की डेथ हो जाती है, तभी वो प्रॉपर्टी के वारिस बनते हैं। यानी कि अगर जो प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर समझे, कोई एक शेख इकबाल नाम का आदमी है, मान लीजिए ये एक एग्जांपल के तौर पर, और उसकी एक प्रॉपर्टी है 405 नंबर की। तो जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या होता है कि ये पैतृक प्रॉपर्टी है तो आपके जन्म से अधिकार इस पर होगा, लेकिन ऐसे इसमें नहीं है। मुस्लिम कानून के अंतर्गत शेख इकबाल ही उस प्रॉपर्टी का ओनर है, और इसके लड़कों का, इसकी बीवी का, इसकी बेटी का अभी तक कोई हक नहीं है। जब ये डेथ हो जाएगी इनकी, तब वो उसके वारिस बनेंगे। तो ये चीज तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, उनकी खुद की खरीदी हुई संपत्ति है तो वो उसे बेच सकते हैं, इस पे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। तीसरी बात क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी में अगर बीवी सहमति दे रही है तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं देती तो भी कुछ होना नहीं है, वो प्रॉपर्टी अपनी बेच सकते हैं। अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो ऐसे केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जा सकती है। आप लड़की की पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लीजिए, जो कि केयर टेकर में उनकी बीवी को कर दीजिए, या फिर उनके भाई को, किसी को भी कर दीजिए, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भी आप सहमति ले सकते हैं, या फिर आप एक सहमति पत्र रजिस्टर्ड बनवा लीजिए, उसे भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास, उसके बेस पे रजिस्ट्री कर दी जाएगी। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी बीवी सहमति दे रही है या उनकी बेटी सहमति दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का अभी तक
जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ उनका है, ना तो उनकी बेटी का है ना उनकी बीबी का है, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेझिझक खरीद सकते हैं। तीसरी बात, प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार अधिनियम, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम होता है, क्या होता है कि हिंदुओं के जो प्रॉपर्टी होती है तो उस पर क्या होता है कि जन्म से पैतृक प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है, लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं होता जब तक डेथ हो जाए, और डेथ होने के बाद भी अगर हिस्से का बंटवारा होता है तो वो कैसा होता है कि भाइयों के पक्ष में यानी लड़कों को दो हिस्से की दी जाते हैं और लड़कियों को एक ही हिस्सा दिया जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में से चाहे कि वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर लड़के को 2 रुपए मिलेंगे तो लड़की को 1 ही रुपए मिलेगा। कहने का मतलब नॉर्मल शब्दों में कॉमनली समझने की बात है कि मान लीजिए उसको दुगना हिस्सा मिलता है, लड़कों को दुगना हिस्सा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके हिसाब से, उनके लॉ के अनुसार, जब कोई लड़की शादी करके यानी कि ब्याह के अपने शौहर के घर जाती है, यानी कि अपने पति के घर जाती है, तो उसे वहां का भी हिस्सा मिलता है, तो उसके यहाँ का हिस्सा एक और एक वहां का हिस्सा, तो उसके डबल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन लड़के में ऐसा नहीं है, वो तो पूरे डिपेंड है अपने अब्बू के हिस्से पे, जो भी है उसके अब्बू जी का हिस्सा है, तो यहां से उनकी इक्वालिटी मापी जाती है कि एक हिस्सा यहां से इसको मिल गया लड़की को और एक हिस्सा उसको मायके का मिल रहा है, तो उसका इक्वल हो जाएगा, जबकि लड़के का तो जो भी है उसका यही का है, उसके अब्बू जी का ही है। तो इस प्रकार का ये लॉ होता है मुस्लिम लॉ में कि प्रॉपर्टी जो भाई को मिलती है, यानी कि जो लड़के को मिलती है वो डबल हिस्से में मिलती है, जबकि लड़की को एक ही हिस्सा मिलता है। तो अगर आपको मयंक भारद्वाज, अगर आपको खरीदनी है वो प्रॉपर्टी, तो आप बेझिझक खरीद सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं, उसका दाखिल खारिज करा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप बीवी की सहमति ले सकते हैं, या फिर उन्हें ले जाकर रजिस्ट्रार के पास खड़ा कर सकते हैं, या फिर लड़की से आपको अगर कोई टेंशन हो रही है या फिर आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लीजिए उस लड़की की, या फिर आप सहमति पत्र ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं मुस्लिम लॉ में, जब तक कि भूमि स्वामी की डेथ नहीं हो जाती, उसके लड़के, उसकी बीबी, उसकी बेटी, कोई भी उस प्रॉपर्टी का वारिस नहीं होता है। डेथ होने के बाद ही सारे के सारे अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, यानी वारसाना अधिकार उन्हें मिल जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि क्या मुस्लिम प्रॉपर्टी को कैसे खरीदा जा सकता है, उनकी लड़की, लड़कों या फिर बीवी का क्या अधिकार होता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए। यार, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।